कुपोषण सुनते ही अपन एक बहुत ही पतला सा क्या कहते हैं मान लेने से बच्चों की बड़े फोटो वगैरह डालते हैं हम उस तरह के। लेकिन एक्चुअली आज मैं आप लोगों को बता देगा या जो बच्चा होगा उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा है। तो काफ़ी सारा विषय पोषण आहार के साथ लिख नहीं मैंने विषय को एक्चुअली प्रैक्टिस के बारे में प्रैक्टिस का जैसा मेरे पूर्व में बता दें जैसा उन्होंने एक पहले एक स्लाइड में तीन दिनों में बांटा था उसको एक मान लीजिए महिला बाल विकास मैंने टीम के साथ जो काम होता है मान लीजिए हेल्थ का टीम और एक स्वच्छता जैसे मान लीजिए स्वच्छता के विषय नहीं लेते हमें शौचालय का उपयोग करना चाहिए हाथ मैंने साफ करके मान खाना खाने के पहले या शौच जाने के बाद या मान लीजिए पानी है कई जगह मान लीजिए इतने अच्छे पानी गाँव में उपलब्ध है मानिए कम से कम पानी गर्म करके खाना बनाने का उपयोग करेंगे या पीने के पहले मान लीजिए पानी गर्म करके मैंने उपयोग करते हैं इनमें कोई किसी प्रकार का खर्चा नहीं होना है या कोई ऐसा इसमें कोई स्पेशल ऐसे कोई मान बात मेरा कहें आपके माध्यम से मान लीजिए अन्य लोगों को भी ये जनरल अवधारणा जिला जनसंपर्क कार्यालय के तत्वाधान में आज मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रत्येक जिलों में इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। कटनी में हमने इस कार्यक्रम को किया। इसका विषय हम लोगों ने कुपोषण में मीडिया की सहभागिता रखा क्योंकि कुपोषण सभी जगह एक समस्या है और फिलहाल समस्या है। इसे मीडिया के साथ ही अवेयरनेस जागरूकता फैलाकर अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और छोटी छोटी जानकारी अगर जन तक पहुंचे तो इस कुपोषण के कलंक से बचा जा सकता है। इसी दिशा में यह प्रयास किया गया जिसमें जबलपुर के दो वरिष्ठ पत्रकार साथी शामिल हुए साथ ही जिले के कलेक्टर साहब KVS चौधरी साहब भी शामिल हुए। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया। यूनिसेफ से भी स्पेशल कंसल्टेंट आए उन्होंने भी क्या कहते हैं कुपोषण को लेकर अपनी जानकारी दी और मीडिया के साथियों से सभी ने प्रशासन ने यह आग्रह किया कि वो इस सहभागिता करें इस प्रयास में कुपोषण की रोकथाम के प्रयास में और सबसे विशेष यह रहा कि जिला प्रशासन द्वारा एक